राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए जिले भर के किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी की। राष्ट्रीय किसान मोर्चा, किसान स्वराज संगठन, अखिल भारतीय किसान महासभा, भारत मुक्ति मोर्चा, ओबीसी महासभा, भारतीय युवा मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान संघों के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की गई। हमने पूरे रूप से पूरे भारत बंद का समर्थन किया है और किसानों के ऊपर जो हो रहा है अत्याचार, दिल्ली में भी हो रहा है अत्याचार किसानों के ऊपर, और हम एमपी के किसानों को दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है, जगह जगह रोक रखा है, उसका हम भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमने ये कृषि तीन जो काले कानून है उनको लेकर के ज्ञापन दिया है। उनके विषय में लगातार 12 दिन हमारे किसान भाई पड़े हुए हैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, तो सरकार गोल गोल घुमाने का काम कर रही है, साफ सुथरी बातें कर नहीं रही है, इसलिए हमारे सारे मध्य प्रदेश में आक्रोश है और सीहोर जिले में विशेषकर हम पलायन करने वाले हैं, दिल्ली के लिए कूच करेंगे, ऐसा आज हमारा मानना है। इस विषय में हमने आज ज्ञापन दिया है। दिल्ली कितने सीहोर जिले से कितने किसान जी? सीहोर जिले से लगभग 1000 की संख्या हमारी पहुंच चुकी है और अभी हमारी योजना बनी हुई है 2 से 2.5 हजार हम कल निकलने वाले हैं यदि आज सरकार से बात नहीं बनती है तो। सर, प्रदेश सरकार हमेशा झूठे वायदे करती है, अभी तक जो कि सन 1920 का जो हमारा बीमा मिलना था वो अभी तक ना मिला है, और ना ये 2020 का जो हमारा राहत राशि मिलना था वो भी अभी तक किसान को मिली नहीं, वैसे ही सोयाबीन खराब हो चुकी है। इसलिए हमारा निवेदन है कि कम से कम किसानों को राहत राशि और बीमा राशि जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि किसान अपनी सांस ले सके।